आज बसंत पंचमी का दिन है और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने घर में गृहस्थ सुख प्राप्त हो, अपने घर में सभी सुखी हो, सभी प्रकार की शांति हो घर में। तो जैसे सरस्वती माता सरस्वती की शारदा की, उसी तरह नील सरस्वती नाम की देवता भी है जो कृष्ण के शरीर से उत्पन्न हुई और उन्होंने एक ऐसा वरदान दिया कि कृष्ण तुम इतने सुखी थे अपने पत्नियों के साथ अपने द्वारका में अपने मथुरा में। जो नील सरस्वती की साधना करता है, जो नील सरस्वती के आय मंत्र करता है, उसको उसके घर में सुख शांति रहेगी। एक बात की बात है कि आप अपने पास देखते हैं ये कुलकर्णी योग, देश पांडे योग और ज़्यादा करके कर्णालु बोलते हैं, जिन्होंने ग्राम सभाओं को ग्राम का आधिपत्य किया है, यानी ग्राम के बड़े बनकर विचरण किए हैं। ये सब कणवशाखायुक्त होते हैं और ये लोग याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार याज्ञवल्क्य ऋषि के ऋषि को आराध्य करने वाले होते हैं, इनका कणवशाखा होता है और याज्ञवल्क्य को। तो हुआ क्या था कि याज्ञवल्क्य महर्षि अपने गुरु के पास विद्याभ्यास करते थे। विद्याभ्यास करते समय उस याज्ञवल्क्य ऋषि के गुरु के पास एक राजा रहता था, उसके घर में संतान नहीं हो रही थी, कितना करने पर भी संतान नहीं हो रही थी। तो गुरु को जाकर राजा पूछता है कि मेरे घर में संतान होने के लिए क्या करना है। तो गुरु कहते हैं कि रोज मेरा शिष्य आकर नील सरस्वती का सूक्त, सरस्वती सूक्त का पाठ मेरे घर में करके तुम्हें आशीर्वाद दे के जाएगा, निश्चित रूप से तुम्हारे घर में संतान होगी, रोज एक शिष्य आएगा, ऐसा उनका गुरु ने कहा। तो याज्ञवल्क्य ये शिष्य रोज करके एक जाते थे और उनको नील सरस्वती का पाठ करके सरस्वती को अभिषेक करने के बाद उनको प्रसाद के रूप में अक्षत दे देके आशीर्वाद दे देके आते थे। ये रोज का हुआ तो ये ऐसा करना था, पूरा 6 महीने तक करना था। तो एक दिन बारी में आई याज्ञवल्क्य महर्षि की। याज्ञवल्क्य महर्षि जिस दिन जाना था उस दिन याज्ञवल्क्य महर्षि राजा के घर गए तो महर्षि थे, उनको अभिमान था। उन्होंने कहा कि यहाँ राजा जो है जिसको संतान होनी है, राजा और रानी मेरे सामने आए, मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। तो राजा के खापे का सो गया था और राजा कहा, अरे रोज तुम्हारे शिष्य आ रहे हैं, तुम्हारे गुरु भाई रोज अक्षर डाल के जाते हैं, चलो जाओ तुम भी करो जाओ। याज्ञवल्क्य का माथा ठनका, वो एक योगी तपस्वी थी, उनकी श्रेष्ठता उनको पता था। उन्होंने सैनिकों को बोलकर कहा, मैं याज्ञवल्क्य महर्षि प्रधानी गुरु का शिष्य, मैं यहाँ आया हूँ और आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ, आप आशीर्वाद लेकर जाओ। तो राजा और रानी दोनों भी बदमस्त थे, उन्होंने कहा, अरे तुम रोज आज तुम्हारे शिष्य आ रहे, तुम्हारे गुरु भाई, तुम भी वहाँ डालकर चले जाओ, यार अक्षर जा क्या डालकर। उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, मैं तो चले जाऊँगा लेकिन आगे का कार्य आप देखो। उन्होंने अक्षर ली और ज्यादा राजा और रानी यहाँ सोते थे वहां उस अक्षर को डाल देकर, मंत्र से अक्षर को डाल देकर चले गए। तो राजा रानी रात में जब सोने के लिए पलंग पर आते हैं तो अक्षर में से चावल उग के आए, उसके ऊपर है चावल निकलने लगे। ये देखकर राजा रानी को यह हुआ कि यह कैसा हुआ। तो सैनिकों ने कहा कि सुबह जो ऋषि आए थे उस ऋषि ने केवल उस सूक्त को बोलकर अक्षर डाल के गए और ये उग गए। तो बोले जो जमीन नहीं है पलंग के ऊपर अक्षर को उगा सकता है तो हमें संतान देने का नंबर वन होगा। भाग के राजा रानी गुरु के पास गए और कहने लगे कि हे गुरु, कल जो तुमने शिष्य भेजा था वो तो चमत्कारी था। बोले क्या हुआ। उसने आपने सरस्वती सुख जो कहा वो कहते हुए केवल पलंग पे अक्षर डाले और पलंग पर ही पूरे चावल उग के आ गए, वो तो महान है। जो पलंग पे अक्षर उगा सकता है वो तो हमारे को संतान दे ही सकता है। आप एक बात करो कि उन्हें बुला लो यहाँ और हम उनसे फिर अक्षर डाल लेना चाहते हैं। तो गुरु ने कहा उसमें क्या बात है, मेरा शिष्य मैं बुलाता हूँ। उन्होंने याज्ञवल्क्य को बुला लिया। याज्ञवल्क्य आए, बोले क्या है गुरु जी कहो। तो बोले ये राजा रानी है, तुमने कल अक्षर डाले थे उसमें चावल उग गया है, तो उसमें विशेष क्या बात है, मैं आपका शिष्य हूँ, इतना नहीं कर सकता तो क्या बात है। मैं इनको संतान देने के लिए, आपने तो कहा था संतान देने के लिए जाओ और मैं गया था, लेकिन वो मद के कारण, अपने में श्रेष्ठता होने के कारण वो लोग मेरे पास नहीं आए, इसलिए मैंने वो अक्षर पलंग पर डाल दी और मैंने चला आया और मैंने क्या है बता दिया।
हाँ वो तो ठीक किया, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि अब उनको वही सूत्र से अक्षर डालो। माया कहता मैं नहीं डालता प्रभु, ने कहा जहाँ अपना अपमान हो, जहाँ गुरु को शिष्य की मान्यता नहीं हो, गुरु की मान्यता नहीं हो, माया ने नहीं देखा। उन्होंने कहा तुम जो कहोगे देने के लिए तैयार है, सब गौवे देंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे से माफ़ी मांगेंगे। बोले वो सब होने वाला नहीं। ये ऐसा अपमान ये जीवन में याद रखें कि एक ऐसा ऋषि भी होता है जो पत्थर पे भी चावल उगा सकता है, चादर पे भी चावल उगा सकता है, जो संतान दे सकने की क्षमता रखता है, उसके मंत्रों में शक्ति है, ऐसा वो समझे। और जब तक नहीं समझेंगे ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा एक चांद्रायण व्रत करे एक वर्ष तक, पानी पी कर रहे, उस दिन अगर मैं सोचूं तो मैं देता हूँ। उनको आया गुस्सा, बोले मैं गुरु बोल रहा हूँ, तू शिष्य नहीं सुनता क्या, उनको दे दे, मैं कह रहा हूँ। बोले जहाँ मेरे गुरु को गुरु का मान नहीं है, जहाँ मंत्र का मान नहीं है, आपको दिया हुआ मंत्र का मान नहीं है, जहाँ उसको उसका उसकी श्रेष्ठता नहीं है, मैं आपके कहने पर भी नहीं दूंगा। केवल मैं ये चाहता हूँ कि वो एक स्पर्श तक चांद्रायण व्रत करे, उसके बाद मैं उनको ये देने के लिए तैयार। अब राजा रोज खाने वाला चांद्रायण व्रत में क्या होता है, आज एक घास खा लिए, कल दो तीन, ऐसा जैसा पूर्णिमा बढ़ती है, पूर्णिमा तक 15 घास खाए, फिर पूर्णिमा से नीचे एक एक करके एक चल जाए, ऐसा एक साल तक राजा बिना खाए कैसा रह सकता है। रानी बोले हमारे से नहीं हो सकता, तो बोले मेरे से भी नहीं हो सकता। मैंने जो कहा एक दो कह दिया कह दिया, गुरु के बहुत कहने पर भी। अब राजा निराश हो गए, बोले प्रभु आपकी बात भी नहीं मान रहा है, यार मैंने आप कुछ तो करो। उन्होंने कहा मैं कुछ करने का नहीं है, मैंने आपको उपाय बताया, आप अगर चांद्रायण व्रत करते हो तो मैं निश्चित रूप से आपको आकर देता हूँ, और नहीं देता हूँ तो मैं चले जाता हूँ। गुरु जी भी बहुत समझाने लगे कि भाई तू कर दे, जान देना गलती हो गई उनसे, तू कर दे। याज्ञवल्क्य ने कहा गलती के लिए भी प्रायश्चित बोल रहा हूँ, आप भी गलती करने पर प्रायश्चित देते हैं ना, तो मैं भी प्रायश्चित बोल रहा हूँ, प्रायश्चित करके आ जाए मैं जरूर डालूंगा। राजा रानी खिन्न हो गए। अब गुरु को लगा कि एक शिष्य मेरा मेरी ही बात नहीं सुन रहा है, मेरे पास रहकर अब इसको क्या करें। जब राजा रानी नाराज होकर रात तक रहे और चले गए घर को, क्योंकि दिन ढलने वाला था, फिर दूसरे दिन दूसरा ऋषि आने वाला है डालने के लिए, उनके पास शक्ति नहीं है। तो दिन ढलते हुए गुरु ने कहा कि तू नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, नहीं मानूंगा नहीं, मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि वो बात मेरी माने, आप जीवन में याद रखे कि एक गुरु का या एक मंत्र का जो अपमान करता है उसकी शिक्षा क्या होती है, ये याद रखे। मैं आपका अपमान रखने के लिए कर रहा हूँ, आप मेरे मुझे समझ नहीं रहे, ऐसा याज्ञवल्क्य का कहना था। मैं तुम्हारा मान रखने के लिए ही गुरु ये बात कह रहा हूँ, और आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं मंत्र की श्रेष्ठता बता रहा हूँ, आप नहीं मान रहे। आखिर में गुरु को गुस्सा आया और गुरु ने कहा कि हे याज्ञवल्क्य तूने गुरु के बातों को भी नहीं माना। मैंने गुरु के बातों को तो मैंने माना, गुरु ने कहा कि राजा के पास जाओ और तुम अक्षर डाल के आओ, मैं जाके आपकी बात माना, लेकिन मैं उस अपमान को सहन नहीं कर सका जो मेरे गुरु का अपमान है, जो मंत्र का अपमान है, मैं नहीं सहन कर सका, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ। आखिर बात आई गई हुई और गुरु ने उस यज्ञवल्क्य महर्षि को श्राप दे दिया, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तूने आज तक जितनी विद्या मेरे पास पड़ी है वह सब तू भूल जाए, या तू मेरी दी हुई विद्या मुझे दे दे। ऐसा उन्होंने कहा, मैं गुरु हूँ तो मेरी बात नहीं मानता, तो मेरी विद्या मुझे प्रदान कर दे, ऐसा उन्होंने कहा। तो याज्ञवल्क्य ने कहा यह अगर गुरु आज्ञा है, इस गुरु आज्ञा को मैं जरूर मानता हूँ, ये लो मैं तुम्हारी विद्या दे रहा हूँ। संकल्प करके याज्ञवल्क्य ने पानी छोड़ दिया। जैसा ही याज्ञवल्क्य ने पानी छोड़ा, पूरा राज्य में आखिर थोड़ा भी हरा घास नहीं दिखा, न पशु पक्षी दिखे, झाड़ सब जल के भस्म हो गए, इवन गुरु का आश्रम भी जल के भस्म हो गया। कहता है मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं यहाँ से चले जाता हूँ, ऐसा शिष्य था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य बाद में बाहर आया और उसमें सोच में पड़ गया कि अपने गुरु ने तो श्राप दे दिया है कि ये सब विद्या भूल जाएंगे, कैसा करें। अब वो एक दिन बड़ी क्षमता से बैठ रहा, रात भर सुबह सूरज उग रहा था, तूने सूरज के तरफ देखा, सूरज के देखते देखते थे प्रभु प्राकृतिक तो आप देवता हैं, मैं आपके चरण में प्रणाम करता हूँ, लेकिन गुरु से श्राप प्राप्त करके सब भूल गया, इसका प्रायश्चित कुछ हो तो मुझे बताइए। उस समय भगवान हनुमान जी सूर्य नारायण उनके गुरु हैं, उनके पास पूर्व में एक पाँव और पश्चिम में एक पाँव रखकर सूर्य जैसा ही रथ पर जाते थे, उनसे विद्या सीख रहे थे। सूर्य नारायण जी के पास हनुमान जी विद्या सीख रहे थे, तो वो विद्या सीखते हुए पता चला, तो वो सूर्य नारायण भगवान को प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु मुझे मेरी एक इच्छा है। सूर्य नारायण इनकी बात सूर्य नारायण तक पहुँचे, क्योंकि इनको विद्या का ज्ञान नहीं था। आखिर उन्होंने एक पेड़ पर चढ़कर हनुमान जी के सामने राम 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 कहा।
तो हनुमान जी देखे कि कौन राम राम कह रहा है। अब वो विद्या सीख रहे थे तो उन्होंने हाथ से अपने पूंछ से उनको नीचे से ऊपर उठाया। ऊपर उठाते ही यानी बल्कि एकदम कूद के घोड़े के कान में जाके बैठ गए। जो रथ सूर्यनारायण का घोड़ा था उस रथ में जाके बैठ गए। हनुमान जी देख रहे अगर इसको देखूँ तो विद्या चले जाएगी और ये इसको नहीं देख लिया गया कहाँ। वो जाके याज्ञवल्क ऋषि घोड़े के कान में बैठ गए और उस दिन से याज्ञवल्क महर्षि जो हनुमान जी को विद्या सिखाई जा रही थी वही विद्या में सीख रहे, उनके साथ विद्या सीख रहे। जब ये पता चला सूर्यनारायण भगवान को तो सूर्यनारायण की जी को उन्होंने क्षमा मांगी और कहा मैं अकारण शापित हुआ, मैं गुरु का मान रखना चाहता था लेकिन अकारण शापित हुआ। अगर आप योगी समझते हो तो मुझे मेरी दी हुई विद्या आपकी दी हुई विद्या फिर मुझे प्राप्त हुआ ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान सूर्यनारायण कहते हैं जिस दिन वसंत पंचमी होगी उस दिन तुम मेरे पास आ जाओ। और वसंत पंचमी के दिन याज्ञवल्क महर्षि को इस संसार में भगवान सूर्यनारायण जी ने पहले शहद के साथ सरस्वती का अभिषेक करवाकर उनको वो विद्या सरस्वती विद्या प्रदान की और याज्ञवल्क महर्षि बने। कहते हैं कि याज्ञवल्क इतने बड़े महर्षि बने कि उनकी दो पत्नियां थीं। वे राज्य के कहीं भी किसी के ऋषि में अगर बार बार में शास्त्रार्थ करते थे तो उनको हराने वाला कोई नहीं था, ऐसा याज्ञवल्क स्मृति में कहा गया है। और उन्हें बसंत पंचमी के दिन वो सरस्वती की विद्या उन्हें भगवान सूर्यनारायण से ली और इतने श्रेष्ठ कहा गया कि उनकी श्रेष्ठता सारा संसार मानता है आज भी। उन्होंने कर्ण शाखा में आंखों से पानी टपकते हुए रोते हुए सरस्वती स्तुति की, सरस्वती माता की स्तुति की, सरस्वती का स्तोत्र पढ़ा और कहा कि माँ अगर मेरी गलती हो तो तुझे विद्या नहीं देना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुझे विद्या प्रदान करना। और उन्होंने सरस्वती को सरस्वती माता से उस स्तोत्र को पढ़ते हुए विद्या मांगी। मैंने जो अभी इससे पहले स्तोत्र पढ़ा था वो भी सरस्वती का ही स्तोत्र था। तो उस स्तोत्र को गुरुमुख से उन्होंने सुना और याज्ञवल्क महर्षि ने सरस्वती माता की स्तुति की। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती स्तुति करके उन्होंने उस विद्या को फिर अपने गुरु के पास जो खोई हुई विद्या थी उसको प्राप्त करने की क्रिया की तो याज्ञवल्क महर्षि बने। और याज्ञवल्क के जितने भी परंपरागत लोग हैं वो लोग साधारणतः अगर हम आज कह के लिए कहें जाए तो वो अपने महाराष्ट्र में हैं कहीं कुलकर्णी कह रहे थे, कुलकर्णी कुल जो कर्ण कुल से सुना हुआ है वो, और तेलुगु में कर्णालु बोलते हैं यानी इसमें सुनने वाले, आजकल के पटवारी और आजकल के देशपांडे ये लोग सब भी उसी याज्ञवल्क कर्ण शाखा के अंतर्गत आते हैं। और उनके घर में जो सरस्वती याज्ञवल्क स्मृति का सरस्वती स्तोत्र पड़ता है कहते हैं कि वो याज्ञवल्क की स्मृति में वो कितना भी पाप क्यों आज आपने सुना है शिवे रुद्धे गुरुस्ताता गुरु देह शिवे नहीं तस्मा सर प्रयत्न गुरु शरण प्रे, अगर गुरु प्रदीत हुआ तो शिव भी बचा नहीं सकता, शिव प्रदीत हुआ तो गुरु बचा सकता है। लेकिन ऐसे समय में भी आज बसंत पंचमी के दिन जो व्यक्ति अपने गुरु के पास से सरस्वती मंत्र लेता है और उसके सामने कम से कम पांच माला जप करता है उसके वो विद्या की स्मृति नहीं होती, विद्या को भूलता नहीं, विद्या को जागृत रखता है और उसके अपने विद्यमान लोग बनते हैं। इसमें भगवान अपने देखा हुआ एक बार सुना है कि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, आपको सबको पता है वाल्मीकि रत्नाकर नाम के डाकू थे और वो सभी स्त्रियों को लूटना, उनके गहने ले लेना और अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण करना जो उनके पास था। एक दिन ये डकैती करते करते उनके मार्ग में भगवान नारद जी आए, ऋषि नारद। उन्होंने उस दिन कोई नहीं आए थे, नारद को ही पकड़ लिया, बोला अरे नारद चल तेरे पास क्या है दे। अरे बोला मेरे पास तंबूरा और नारायण केशवा है, क्या तंबूरे में क्या रखा हुआ, तंबूरे में कुछ नहीं, तंबूरा मैं तोड़ देता हूँ। अरे तंबूरे में भजा था यार, इसमें कुछ नहीं, लंगोटी डालकर मैं एक धोती पहनने वाला, मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो तू जीता कैसा, इस जंगल में आया तू, कुछ ना कुछ तेरे पास कमाने का खाने का कुछ ना कुछ वो क्या है दे। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरी बात सुन। उन्हें कहा ऐसा हो नहीं सकता, तो बिना खाने रहता है क्या। बोले मैं पूर्ण तीन लोग घूमता हूँ और मेरे पास एक नारायण नारायण नाम का मंत्र है, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं नारायण नारायण बोले तो आता क्या। उसका कहना तू जो बोल रहा है वो मंत्र अगर मैं बोलूँ तो मेरे को पैसा आता क्या। अब नारद में पड़ गए, सारा इसको बोलूँ नारायण बोले तो पैसा आता है, तो नारायण बोलेगा पैसा कहाँ निकाल बोलेगा, एक बार बोले तो नारायण से पैसा कहाँ से आएगा, और नहीं बोले तो मार खत्म कर देगा मुझे। उसने वाल्मीकि ने वाल्मीकि को कहा मैं एक बात बोलता हूँ तुझे, तो पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ सब कुछ, लेकिन एक बात तू ये जो सब कार्य कर रहा है तेरे पत्नी को
पाल रहा है, तेरे बच्चों को, तेरी माँ को, तेरे सास ससुर जो भी है उनको पाल रहा है ना, एक बार उनको जाके पूछ के, हाँ ये तो डकैती करना या इसको करना ये तो बहुत महान बड़ा पाप है, तो फिर ये महान पाप जो कर रहा है वो पाप का प्रायश्चित जो है पाप के लिए नर्क में जाना पड़ता, तो तेरे वो जो लोग इसके ऊपर पल रहे हैं वो लोग भी नर्क में आने के लिए तैयार है, एक बार पूछ लिया मैं यहीं उसको, जरा लगा सच है यार पाप के लिए तो उसको नर्क भोगना पड़ता, बोले तू भाग मत जा, नारद जी को पूरा बांध दिया झाड़ को और अपने लोगों के पास गया, बोल के जाकर पूछने लगा कि यार मैं तुम्हें रोज पैसा ला के देता हूँ, लूट के पैसा लाता हूँ, मार के तुमको पैसा लाता हूँ और तुम्हें देता हूँ, इसलिए तो पाप है और इस पाप का तो मुझे भोगना ही पड़ेगा नर्क, तो क्या आप मेरे साथ नर्क भोगने के लिए तैयार हैं? सभी लोग बोले क्या दीवाना है क्या, हम कहीं नर्क भोगेंगे, तेरे को तो पैसा लाता हम खा के पैसा लाता, पूछे क्या, हम नहीं पूछे, तू जो कर रहा है तू ही अनुभव कर, हम नरक में नहीं जाते, हम पाप नहीं लेते। तब वाल्मीकि रत्नाकर ठाकुर को आंखें खुले और उसने कहा ये क्या हो रहा है, मैं रोज इतना पाप करके इनको पालता हूँ, बोले कोई हम तेरा पाप लेने के लिए तैयार नहीं। उसके आंखों में आंसू आ गए, वो भाग के आया, अरे यार तू कौन भी है जो भी है महान आदमी है, मेरे आंखें खोल दिया तो आज, अब बोल वो तो नहीं लेना चाहते और मैं तो पाप में नरक में जाऊँगा ही जाऊँगा, मुझे क्या करना है। कहते हैं कि वो इतना पापी था कि भगवान नारद जी ने उसको मंत्र देने की बात कही और गलती से नारद जी उस दिन जहाँ जा रहे थे वो सरस्वती मंदिर को जा रहे थे और वसंत पंचमी का दिन ही था। नारद जी ने कहा इसे क्या करूँ, उसने कहा कि मैं तुझे सरस्वती मंत्र देता हूँ, तू सरस्वती मंत्र को बोल। सरस्वती मंत्र अहिम बोलने नहीं आता ना, सरस्वती बोलने नहीं आता उसको, उसकी जीव उतनी खत्म हो गई मांस पीस खाने से, बोलने ही नहीं आता, बहुत समझा के देखने पर नहीं आया, कुछ बोल रहा ही नहीं, आखिर बोला तू राम बोल। उसने कहा राम भी बोलने नहीं आता, हराम हराशा बोलने लगा, अरे इसको तो ये भी बोलने नहीं आता, आखिर बोल तो ऐसा कर मरा बोल, मरा 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 बोलते गए, राम 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 आते गया। और उसको उस दिन उन्होंने बसंत पंचमी थी, उस दिन उन्होंने वो पहली बार नारद जी ने उसको बसंत पंचमी के दिन वो दिया और वहीं शहद था उस शहद से निकाल कर उसके जीव के ऊपर उस मंत्र को लिखा। आपको सबको पता है वही रत्नाकर ठाकुर आगे चलकर वाल्मीकि महर्षि बने, पहले कवि बने संसार के संस्कृत में और पहला काव्य पहला श्लोक उनके मुख से उत्तरित हुआ ऐसी ही सरस्वती मंत्र की बसंत पंचमी के दिन। अगर अपने गुरु के साथ अपने शहर से लेते हैं तो हमें उस उच्चता को प्राप्त करते हैं। इसी तरह आपको तेलुगु में मालूम है तेनाली रामकृष्ण बोल के मंत्री एक ब्राह्मण होके गया, वो तेनाली रामकृष्ण भी ऐसा था, बहुत विद्वान था लेकिन कहीं भी जहाँ नौकरी नहीं मिल रही थी, कहीं जहाँ नौकरी नहीं मिली ना पैसा आता ना विद्या, विद्या बहुत होने के बाद भी कुछ नहीं होता। तो उन्होंने एक दिन उनके गुरु के कहने पर कहा गया महालक्ष्मी महाशिष्य महाकाली का एक मंदिर है उसमें जाकर तू ये फलाना मंत्र कर, फिर वो देवी प्रसन्न हो जाएगी और तू देवी से कुछ भी पूछ लेना। तो गए महाकाली महालक्ष्मी महाशिष्य का जहाँ मंदिर था वहाँ बैठे, रात भर पूजा की उनके गुरु के कथनानुसार और उनको महाकाली प्रसन्न हुए। महाकाली नहीं थी वो नील सरस्वती थी, नील सरस्वती थी तो प्रसन्न हुए और उसने कहा कि क्या है मुझे किस लिए बुलाया है। उसने कहा मैं न कमा सकता हूँ न मेरी विद्या किसको देख सकता हूँ, यश है न कीर्ति है न पैसा है कुछ है, मुझे यश कीर्ति के साथ पैसा चाहिए, आप पैसा उद्दान दो। नील सरस्वती ने कहा ये दो एक के पास नहीं रहते, जिसके पास पैसा रहता उसके पास विद्या नहीं रहती, जिसके पास विद्या रहती उसके पास पैसा नहीं रहता, ऐसा कैसा हो सकता है, ये देख मैं एक कटोरे में दूध रखा है, अगर ये दूध लेता है तो तुझे विद्या प्राप्त होगी यश प्राप्त होगा, और एक कटोरे में दही रखा है इस दही को लेता है तो यशवान कीर्तिवान पैसावान होगा, तुझे इससे दो में से कोई चाहिए। बोले माँ एक बात कहता हूँ एक मिनट के लिए, तू आंखें मूंद ले मैं बोलता हूँ। बोले माइका को आंखें मूंद एक बार बोलता है उसने तो आंखें तो मूंद ले। माता ने आंखें मूंद ली, ये दो कटोरियाँ लेके पी गया ठीक है आगे बैठा। अब माता देख के बोली अरे तू मैंने कि एक कटोरी पीने की कहा, माँ तू बता दे मेरे पास पैसा नहीं है और विद्या नहीं क्या काम, विद्या है पैसा नहीं क्या काम, अब तू मुझे मार सकती है तू कुछ भी कर सकती है। लेकिन माता के मुँह से हंसी छूट गई और उन्होंने कहा तू तो विकट कवि है, विकट कवि उसको उल्टा करो फिर विकट कवि आता है। और उन्होंने माता कुछ दिए वो तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य में बहुत बड़े कवि हुए और वो श्रेष्ठता के साथ अपनी विद्या का करते थे। वो दिन भी बसंत पंचमी का ही दिन था। कहते हैं कि गुरु के द्वारा अपने शहर से बसंत पंचमी के दिन जो मंत्र ग्रहण करता है सरस्वती का
विशेषकर वो लोग जो नौकरी आदि करते हैं, बड़े हो गए हैं जो विद्यार्थी, विद्यार्थी जो है वो शारदा का मंत्र या सरस्वती का मंत्र ले लें, लेकिन बड़े लोग नील सरस्वती का मंत्र अपने गुरु के पास ले लें और गुरु के सामने उसकी पांच माला मंत्र करते हैं, तो उनके जीवन में भी यश कीर्ति सभी कुछ प्राप्त होती है। इसी प्रकार भारद्वाज मुनि, इसी प्रकार कर्णशाकृत ऋषि स्वयं आज के दिन कहते हैं कि आज का एक दिन क्यों श्रेष्ठ है, तो ब्रह्मा के अभिपराशक्ति से महासरस्वती महाकाली और महालक्ष्मी बाहर आए और महासरस्वती जब बाहर आई तो महासरस्वती ने कहा कि मेरा कार्य क्या है, लक्ष्मी तो धन की ये देवी है, उसको धन देता है काली को शक्ति के रूप में, तो मेरा कार्य क्या है। तो ब्रह्मा ने कहा तुम्हें तो सरस्वती विद्या प्रदान करना है, विद्या देने का तुम्हें कार्य सौंपता हूँ, बोले मुझे कुछ नहीं आता तो मैं विद्या क्या करूँ। तब कहते हैं कि भगवान है कि विष्णु भगवान ने अपना अवतार लिया और सरस्वती को सरस्वती के गुरु बने और पहला विद्या देने का कार्यक्रम सरस्वती को, सरस्वती के गुरु का नाम हयग्रीव कहा जाता है। हयग्रीव महर्षि ने पहले सरस्वती माता को ये विद्या प्रदान की और वह मंत्र ऐन का था, ऐन का मंत्र। अगर आप देवी भागवत में पढ़ते हैं तो एक राजा को कुछ आता ही नहीं था, कहते हैं कि उसने जंगल में उसको मंत्र बोलने नहीं आता तो ए ए ए बोलते गया और उसको बीजाक्षर भी नहीं गया। देवी भागवत में पढ़ते हैं तो उस राजा को वो एक का मंत्र एन के बारे में हुआ और वह श्रेष्ठ राजा बना, ऐसा कहते हैं। आज बसंत पंचमी का प्रादुर्भाव दिन है, माता सरस्वती का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन माता को अगर हम स्तुति करते हुए पाठ करते हुए अगर उससे पूछते हैं कि मुझे धन विद्या यश कीर्ति सम्मान सभी प्रदान करो, तो आज के दिन अपने गुरु से वह विद्या लेनी चाहिए, वो मंत्र लेना चाहिए, जो विशेषकर बड़े लोगों के लिए, बड़े स्त्रियों के लिए जो गृहस्थ हैं वो लोग नील सरस्वती का मंत्र लें और उस सरस्वती का स्तोत्र का पाठ गुरु के सामने एक बार भी करते हैं आज वसंत पंचमी के दिन, तो वो श्रेष्ठ कहलाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आज एक विशेष बात कहता हूँ, महर्षि मतंग मुनि थे, मतंग मुनि वो बहुत ही तपस्वी थे, उनके वचनों में उनकी सिद्धि थी, वे भी सरस्वती की साधना संपन्न किए थे, तो उनको उनकी कृपा से अयोनिज बाहर से एक छोटी सी बालिका प्रसन्न हुई, छोटी सी बालिका आई प्रसन्न होकर उनके आंगन में खेलने लगी, तो देखकर उन्होंने कहा कि तू कौन है बेटी, तो उन्होंने कहा तूने तो बुलाया मैं ही, वो बताते नहीं थे, बाद में पता चला कि उसका नाम नहीं बोल सके, उसने छोटी सी बालिका थी, तो उन्होंने उसका नाम तुझे आज से मातंगी कहता हूँ, तो मतंग कन्या के नाम से पहचानी जाएगी और मतंगी उसका नाम दिया, उसका भी प्रादुर्भाव आज के दिन ही हुआ। तो उस मातंगी ने कहा मुझे मातंगी तो बुलाया है लेकिन एक बात कहती हूँ, वो कभी इधर उधर भाग के जाती थी, जाकर कोई फल खा के आती थी और वो उच्चिष्ट फल जो रहता है झूठा फल वो ऋषि के मुँह में थोक देती थी, ऋषि कहते थे अरे झूठा झूठा खिला रहे थे क्या अक्कल है तेरे को, मेरे को झूठा खिला रही है, वो जोर से हंस देती थी, इसे झूठा कहते हैं क्या तू जानता नहीं, आज अगर झूठा नहीं खाया तो तेरे वचन सिद्ध नहीं होंगे, तब उन्होंने समझ लिया और आज मातंगी माता को भी उच्चिष्ट चांदारिणी कहा जाता है। अगर माता मातंगी को अगर हम मातंगी से उन्होंने वो फल ऋषि उस दिन से खाने लगे और यही फल इसके बाद में उसकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए, मातंग कन्या की सेवा शुश्रूषा करने के लिए उन्होंने किसी एक स्त्री को ढूंढना शुरू कर दिया, तो रास्ते में एक जंगली औरत मिली और जंगली औरत को उन्होंने कहा कि तू इस कन्या का देखभाल कर ले क्योंकि मैं शरीर छोड़ के जाने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उतनी दूर से आई हूँ तपस्या तो मैं नहीं जानती लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही आ जाऊँगा। उन्होंने कहा उस स्त्री ने कहा कि तुझे ऐसा आने नहीं देता, तुझे इस कन्या का देखभाल करना है। तो वह देखने लगी तो उसने कहा कि तू कौन है, तू यहाँ शबर के आश्रम से आई है इसलिए तेरा नाम शबरी रखता हूँ और उन्हें मतंगी का देखभाल किया। जब मतंगी मतंग महर्षि जा रहे थे तो उन्होंने मातंगी कन्या को उनके हाथ में दे देते हुए कहा कि तू इसकी देखभाल करना है, तो उन्होंने कहा इसकी देखभाल कितने दिन तक करूँ, बोले मैं जाते ही ये पाँच दिन में यहाँ से अदृश्य हो जाएगा लेकिन तुझे यहीं रहना है, बोले क्यों, इस आश्रम में त्रेता युग में रामचंद्र जी आने वाले हैं तब तक तुझे, बोले त्रेता युग कब आएगा, उसने कहा त्रेता युग लाखों वर्षों के बाद आएगा, बोले मैं जिंदा कैसे रहूँ, तो उन्होंने उस दिन उस उच्चिष्ट को मातंगी से कहकर कहा कि ये उच्चिष्ट फल है तू ये आज खा ले, आज से तू जो ये विद्या है ये विद्या जिस किसी को भी देगी वो श्रेष्ठ कहलाया जाएगा और राम तेरे पास एक दिन आएंगे ही आएंगे। उस मातंगी ने शबरी माता को उच्चिष्ट फल खिलाया और मातंगी लाखों वर्ष जीती रही और उनके आश्रम में
रोज देती, रोज फूल पर उसकी, रोज फल तोड़ के लाती कि आज राम आएंगे। ऐसा बीतते बीतते लाखों वर्ष हो गए। त्रेता युग में जब रामचंद्र जी जहाँ और लक्ष्मी जा रहे थे तो रामचंद्र जी का ठहर 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 मुझे यहाँ कोई बुला रहा है। बोल बैठ भैया इतने जंगल में तुम्हें कौन बुला रहा है, तुझे नहीं मालूम मतंगी कन्या मातंगी का वास, मतंग महर्षि का वास है यहाँ, यहाँ से कोई बुला रहा है, मुझे जाना है। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों मिलकर वहाँ गए तो देखते क्या एक बूढ़ी पूरे रास्ते में फूल डाली है और उसने बोले हे राम कितने साल लगा दिए मेरे गुरु मतंग महर्षि कहते कि तू आएगा और मैं तेरा इंतजार करती रही, आज तू मेरे घर आया, आजा आजा मैं तुझे लेकर जाऊँगा। लक्ष्मण देखने लगा कि ये बूढ़ी औरत इनका, बोले तू कब से इंतजार कर रहे हैं, बोले एक युग तो चला गया ये दूसरा युग है। लक्ष्मण को हंसी आई, बोले ये लोग ऐसे होते हैं और भैया इनको विश्वास करते हैं, क्या कहें इनको, भैया को कुछ पता ही नहीं चलता। तो जैसा ही गए शबरी ने कहा प्रभु तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हारे पाद पूजा करना चाहती हूँ, तुम कुछ खा लो। रामचंद्र जी की पूजा की और वो वहाँ जो फल था बेर पर जो भी है फल छूटा करती और रामचंद्र जी को देती कि तुम्हें फल खा लो। रामचंद्र जी आनंद के साथ फल खाने लगे। लक्ष्मण को आया गुस्सा, भैया वो झूठा फल ले रही है। तो उसने कहा कि हे लक्ष्मण तू आज इस झूठे फल की विद्वत्ता नहीं समझता, तेरे राम आज तक तुम आ रहे थे, ये बता दे क्या तेरे राम को ज्ञान था कि इस संसार में सोने का हिरण ढूंढता है, इस घर में इस गाँव में कहीं सोने का हिरण देखा है, नाम सुना है? बोले नहीं सुना। तो तेरे राम को इसका ज्ञान नहीं था, भविष्य का ज्ञान नहीं था, आज मैं ये उच्चिष्ट देते हुए तुझे ये आज देती हूँ, आज से राम को आने वाले कल का पता चलेगा, कल तक उसको भविष्य का ज्ञान नहीं था, मैं आज देती हूँ ये उच्चिष्ट खाने के बाद। लक्ष्मण को लगा सही बात है, रामचंद्र जी उतने महान होकर भी उनको क्या हिरण सुने का नहीं होता है, पता नहीं था, और हिरण के पीछे भागते चले गए सीता के कहने पर, और आज ये इतना बड़ा उपद्रव हुआ। कहते हैं कि शबरी के उस उच्चिष्ट फल से रामचंद्र जी के खाने के बाद रामचंद्र जी को भविष्य का ज्ञान हुआ, ये आज के दिन ही हुआ था, आज बसंत पंचमी के दिन रामचंद्र जी ने वो झूठे फल शबरी को। तो कहते हैं कि अपने गुरु का आज उच्चिष्ट फल लेकर अगर जो कोई भी साधक करता है तो उसको भविष्य का ज्ञान भी होता है, या ओम ह्रीम क्लीम हूँ मातंगे फट स्वाहा, ये जब जो भी किए हैं, जो लोग जल्दी जाने वाले हैं उनको तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे आश्रम के लोग और बहुत सारे मेरे कांटेक्ट में जिन्होंने मातंगी महाविद्या का मंत्र किया है वो लोग हाथ उठाए हैं, मातंगी महाविद्या मंत्र जिन्होंने किया है। मैं उन सभी को शाम में 4 बजे छोटा सा हवन करवाऊंगा और मैंने जैसा कहा है आपकी इच्छा पूर्ण करने की बात करूंगा, मातंगी महाविद्या के बारे में मैं शाम में छोटा सा हवन करवाऊंगा। अभी रही बात वो लोगों की, जैसा मैंने कहा है कि नील सरस्वती यंत्र, नील सरस्वती मंत्र का आज तुम्हें यंत्र और मैं माला और साधना देता हूँ। उस साधना को जो व्यक्ति आज संपन्न करता है बसंत पंचमी के दिन और अपने गुरु से उस शहद के मंत्र को ले लेता है वो सर्व प्रकार की श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। तो आज अब इसके बाद आपको ये कहता हूँ, जो विद्वत पुरुष है जो सब कुछ जानते हैं कि हमें यश कीर्ति आदि प्राप्त हो, तो मैंने उस मातंगी और नील सरस्वती माता का यंत्र तैयार किया है, उसके साथ साथ माला भी तैयार की है। उस यंत्र के ऊपर मैं एक मंत्र दिया, उसके ऊपर शहद डालते हुए उस यंत्र के शहद को जो चाट लेता है आज बसंत पंचमी के दिन, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी, धन की, यश की, कीर्ति की, सम्मान की और कीर्ति की भी। मैं कहता हूँ कि वो लोग जो चाहते हैं वो नील सरस्वती का यंत्र और माला लेकर आ जाएं, उसका मंत्र और विधान पूजा में करवाता हूँ और उनके साथ उसके ऊपर शहद रखकर जो मंत्र बोलना चाहते हैं वो मंत्र बोलता हूँ, उसके साथ साथ हो सके तो गुरु जी को पूछता हूँ कि क्या बेर का उच्चिष्ट आपको देना है या नहीं देना है, बाद में मैं सोच के बोलता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी लोग नील सरस्वती मंत्र लेकर आ जाएं। इससे पहले मैं वो चाहता हूँ कि जो छोटे छोटे बालक हैं अक्षराभ्यास करना चाहते हैं वो पार्टी कलम लेकर यहाँ मेरे पास आ जाए। छोटे बच्चे जिनका अक्षराभ्यास करना है वो लोग केवल कापी वाले नहीं, जिनका अक्षराभ्यास पहले हो रहा है वो लोग पार्टी कलम लेकर मेरे पास आ जाए।